Hi everyone and welcome to this tutorial of economics. So हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं एंड नया सेटअप है तो अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं. एंड आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स. हम लोगों ने इसमें कुछ डिफरेंशिएशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था. अभी भी हम लोग एप्लीकेशन पोर्शन पे इसके मूव नहीं किए हैं बट हम लोग जल्दी एप्लीकेशन पे मूव करेंगे. जब हम लोग बेसिक सारा कवर कर लेंगे फिर हम लोग मूव करेंगे. अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्या क्या, हम लोग बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कुछ बेसिक चीज जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी किया जाए तो वो जीरो हो जाता है. जब भी वेरिएबल नीचे में सेम रहे जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर सेम वेरिएबल रहे तो उसका वैल्यू वन हो जाता है. और अगर कोई इस फॉर्म में रहे वाई बराबर एक्स का पावर एन तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पावर क्या होता है बाहर आ जाता है और एक पावर घटा देते हैं. सो दिस वन इज व्हाट वी गेट डी वाई बाय डी एक्स. तो हम लोगों ने ये कुछ बेसिक चीज देखा था. आज हम लोग किसी को कंटिन्यू करेंगे. इसके बाद हम लोगों ने एडिशन रूल पढ़ा था कि जब एक से ज्यादा फंक्शन रहे, सपोज करिए कि वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, तब कैसे डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं. तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सारा टर्म जितना भी टर्म दिया रहे वहां पे सारे टर्म को इंडिविजुअली हम लोग डिफरेंशिएट कर देते थे. डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाता था, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू. और सिंपली हमारा क्या हो जाता था, टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाता था डिफरेंशिएशन से. अब इसका फॉर्म क्या हो जाता है, एक्स का पावर एन का जो पावर रहता है उसको बाहर लाते हैं हम लोग और पावर में एक घटा देते हैं. तो दो में एक घटाएंगे तो एक हो जाएगा. यहाँ देखिए एक्स वेरिएबल है और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का ही चेंजेस निकालने जा रहे हैं तो उसका वैल्यू वन हो जाता है. कांस्टेंट का जब भी करते हैं तो जीरो हो जाता है. तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर एक्स प्लस वन. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था. फिर हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था. जब भी कुछ ऐसा दिया रहे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू y बराबर तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं. तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था कि आप एक फंक्शन को लिखो एक बार में, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, इसके बाद फिर जिसका डिफरेंशिएशन आपने किया उसको लिखना है और जिसका नहीं किया था पहले स्टेप में उसका आप डिफरेंशिएशन करना है. तो बेसिक कंसेप्ट यही है. अब आपको इसमें दो टर्म दे दे, तीन टर्म दे दे, जितना भी टर्म दे दे उसमें हम लोग देखेंगे कि एक को लिखा जाता, एक का डिफरेंशिएशन किया जाता, बाकी सबको एज इट इज उतार दिया जाता है. फिर हम लोगों ने देखा था जब कुछ एस इस फॉर्म में दिया गया वाई बराबर एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू, तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था. अगर मैं यही आपको बताता रहा हूं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाइए. और बेसिक है ये सारा. अगर आप मजबूत नहीं करोगे, स्ट्रांग नहीं करोगे तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है. अभी क्या हो, इकोनॉमिक्स नाम है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, कुछ एप्लीकेशन है, बट उसी एप्लीकेशन को समझने के लिए आपका पूरा यूटिलाइजेशन करना होगा. इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. अभी तो आप यही पढ़ रहे हो कि बाद में टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, तो चीज और हार्ड होती जाएगी. तो आपको अभी से ये स्ट्रॉन्ग करना है बेस, ताकि हमें बाद में वैसा फील ना हो कि बहुत ही हार्ड है. ठीक है ना, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं. आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उस पर मूव करते हैं. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेन रूल. ये भी एक डिफरेंशिएशन का पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. और मेन इसको नहीं समझिएगा तो बहुत ही कठिनाई होगी, समस्या होगी. तो देखिए सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे कहां पे, ये थोड़ा सा नाम समझते हैं. तो हम लोग आज पढ़ क्या रहे हैं, चेन रूल. मैं सारा मीनिंग क्लियर करूंगा बट थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझिए तब मजा आएगा. हम लोग लगाते कहां है चेन रूल, जब y इक्वल टू कुछ ऐसा पावर दे x प्लस वन और उस होल का पावर वन है. ठीक है ना, जब पावर वन रहे, जब किसी भी टर्म का होल जो पावर है वन रहे और उसके अंदर क्या है कोई भी टर्म रहे, जितना भी टर्म रहे, तब हम लोग चेन रूल नहीं लगाते. तब सिंपल कंसेप्ट क्या लगाते हैं, जितना टर्म आए सारे का कर देना है. लेकिन सपोज करिए कुछ ऐसा भी फंक्शन आ सकता है एक्स प्लस वन का पावर टू, जब ऐसा टर्म आ जाए जहां पे आपका जो स्क्वायर
उसके अंदर एक से ज्यादा टर्म रहे तब आप जो डिफरेंशिएशन करोगे डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे वहां पे फिर चेन रूल का कंसेप्ट आएगा। देखिए एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिए, मैंने क्या कहा y बराबर x प्लस वन, इसमें हम लोग चैन रूल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज इसका जो पावर है वन है। लेकिन जैसे ही यहाँ होल, ये जो है ब्रैकेट क्या बताता है, होल, होल का पावर एक से ज्यादा हो और अंदर में एक से ज्यादा टर्म रहे, एक से ज्यादा टर्म, ये टर्म कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक x का टर्म रहे, एक कॉन्स्टेंट का टर्म रहे वन, या फिर एक्स स्क्वायर का टर्म रहे, कुछ भी टर्म रहे, एक्स का पावर कुछ भी रहे या कुछ भी रहे, एक से ज्यादा अंदर में टर्म हुआ और पावर एक से ज्यादा हुआ तो आपको चैन रूल लगा देना है। अब बात आता है इस चैन रूल को समझना कैसे, कैसे बनाना है, तो एकदम सरलता से सिंपल वे में समझने का कोशिश करना है कि कैसे हम लोग उसका आंसर लाते हैं, फिर हम लोग एक स्टेप बताएंगे। तो सब कुछ करिए, मेरे को क्वेश्चन दिया है वाई बराबर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, निकालना क्या है मेरे को, जैसे ही डिफरेंशिएशन करने बोले क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स। अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये भी कोई एक कॉन्स्टेंट है, कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे अगर एक्स का पावर टू रहता था तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते थे, जो भी पावर रहता था उसको पीछे लाते थे, आगे लाते थे मल्टीप्लाई में, और पावर में एक घटा देते थे, सेम एज इट इज करना है। यहाँ पे पावर क्या है, टू है, तो पावर को बाहर लाए हम लोग, ठीक है, पावर बाहर लाए, अब किसका पावर है, जिसका पावर रहता था उसी का पावर घटा देते, तो x प्लस वन का पावर दो है, तो x प्लस वन का पावर दो में एक घटाएंगे इनटू। अब यहां पे एक नया स्टेप आपको ऐड करना, नया नहीं है बट थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा ये समझिए बात को, यहाँ पे अब जिस अंदर में जिसका होल स्क्वायर है या फिर जिसका भी पावर दिया रहे उसको आपको फिर से x के टर्म में एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम किसका होल स्क्वायर था, x प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो हम लोग फिर से x प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन, दो में एक पावर गया वन इंटू, फिर दो टर्म आ गया, तो क्या बोलता है डिफरेंशिएशन सारे टर्म का कर दो और मेरा वैल्यू फिर आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वन। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन प्लस जीरो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो मतलब समझिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि चैन रूल, सबसे पहला क्वेश्चन चैन रूल लगाना कहाँ पे है, तो चैन रूल वैसे जगह लगाना है जहां पे कोई भी दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म का पावर एक से ज्यादा हो, दो से दो या दो से ज्यादा टर्म रहे और उस होल का पावर जो हो वो एक से ज्यादा हो, तब हम लोगों को क्या लगाना है, चैन रूल लगाना है। और चैन रूल में फिर एक नया चीज क्या आता है, सिंपली हम लोग कंसीडर करेंगे जो भी पावर रहे, पावर को कैसे सॉल्व करते थे, पावर को बाहर लाते थे हम लोग और पावर में एक घटा देते थे इनटू, एक नया स्टेप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जो पावर, जिसका पावर है उसको फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करना है। अब आप बोलोगे कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे चैन रूल लागू हो रहा था क्या, तो यहाँ भी ऑब्वियसली लागू होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे किसका पावर है, तो x का पावर है, पावर कितना है दो, तो दो को हम लोगों ने पीछे लाया और पावर में एक घटा दिया, तो अब बच क्या रहा है, किसका पावर था, x का पावर था, तो फिर x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स और डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वन वैल्यू आता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अगर नहीं करोगे तो आंसर जो आएगा और जो रियल आंसर होगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे तो x का x के रिस्पेक्ट में एक ही होता था, इसलिए हम लोग क्या करते थे उसको एकदम छोड़ देते थे, कोई उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा था आंसर में। लेकिन जहां ही एक बार फिर से मैं दो तीन बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आप ये कंसेप्ट समझ जाइएगा तो बाकी सारा क्वेश्चन एक मिनट में बनेगा, लेकिन कंसेप्ट यही है क्या, कि जहां भी एक से ज्यादा टर्म और उसका पावर, उस होल का पावर एक से ज्यादा हो तो हम लोग चैन रूल लगाएंगे। और चैन रूल के अंदर क्या नया कंसेप्ट आता है कि हम लोग पावर को एज इट इज सॉल्व करेंगे, जिसका जो पावर है पावर को बाहर लेंगे और उसके पावर में एक घटा देंगे डिफरेंशिएशन के दरमियान,
लेकिन जिसका पावर है उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। दिस इज द न्यू कंसेप्ट ऑफ चेन रूल। अब आता है एग्जामिनेशन में, ये तो आंसर हो गया हम लोगों का, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ हो, फिर हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे फिर और क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे मैंने इस साइड कुछ नया क्वेश्चन लिखा, शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा समस्या है, बट आप लोग रेस्ट लीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो, तो लेट्स होप फॉर गुड। आप भी होप करिए, हम भी होप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। मैं दोनों चीज समझाते जा रहा हूं, ठीक है ना। पहला हम लोग लेते हैं y बराबर 2x² + x + 2, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, पहला चीज तो हो गया। दूसरा क्या देखना है कि क्या इसका पावर एक से ज्यादा है। पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब एक है, मतलब यहाँ पे चेन रूल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जब भी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जितना भी टर्म दिया है सारे टर्म का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, जितना भी टर्म दिया सारे का सिंपली निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x² है मतलब 2 है, पावर बाहर आ गया 2 और पावर में 1 क्या हो गया, घट गया, 2 में 1 घटा 1 हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x यहाँ पे सेम है और वेरिएबल जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी सेम है, इसका वैल्यू 1 आ गया, 2 का वैल्यू 0 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4x + 1। लेकिन अब इसी के अंदर हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं जहां पे चेन रूल का कंसेप्ट आएगा। क्या है, y बराबर 2x² + x + 2 का होल स्क्वायर। अब आपको खुद से पूछना है, सबसे पहला चीज क्या है, यहाँ पे देखिए होल का पावर क्या है, एक से ज्यादा है और होल में 3 टर्म आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy by dx ही हमारे को अभी भी निकालना है। बट कैसे निकालेंगे, तरीका थोड़ा सा बदलेगा, इसको भी एज इट इज पावर है, तो पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी का कुछ भी पावर है पावर को बाहर करते हैं, पावर कितना, 2, तो 2 को बाहर किया हम लोगों ने, जिसका जो पावर था उसी में ना एक पावर घटाते हैं n-1, x का पावर n का क्या होता है, n into x का पावर n-1, तो यहाँ का पावर 2 है तो 2 बाहर लिखा हम लोगों ने, इसका पावर क्या करना होगा, 2 में 1 घटाना होगा, क्या हो जाएगा, 2x² + x + 2 का पावर 2-1 हो गया into। अब यहां नया कंसेप्ट क्या आया कि आप पहले सबसे पहले पावर को सॉल्व करो, तो ये जो आंसर है पावर को सॉल्व करने का आंसर है, पावर को सॉल्व जब किए तब इसका आंसर है, लेकिन जिसका पावर है उसको एक बार फिर से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो किसका पावर था, 2x² + x + 2 का, तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2x² + x + 2 into d/dx of 2x². अब क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन सारा टर्म का इंडिविजुअली करेंगे, तो सारे टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखते हैं, 2 × 2x² + x + 2 into d/dx of 2x² 2 बाहर आ गया, फिर से एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 2 पावर जो है बाहर आया और पावर में 1 घट गया, प्लस d/dx of x बेस सेम है और यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी सेम है, वैल्यू 1, 2 कांस्टेंट है x के, किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2x² + x + 2 × 4x + 1। सो मेरा जो मेन मोटिव था वो आपको डिफरेंस समझाना था, यहाँ पे क्या था, जितना भी टर्म दिया उससे मैटर नहीं है, बट इसका पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी अगर आपको लगाने का मन करना है तो आप लगाओ, शौक से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अंदर वाले का करो, तो यही एक स्टेप हो गया। लेकिन जैसे ही अंदर में ब्रैकेट के अंदर या फिर एक से ज्यादा टर्म रहे और उसका पावर एक से ज्यादा रहे, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करो, फिर अंदर में जिसका पावर एक से ज्यादा है उस सारे टर्म का एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो क्या होगा, हम लोगों को dy/dx का
या पूरे डिफरेंशिएशन का वैल्यू दे देगा। चलिए यहां पे एक नया क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कोई भी बुक, मैंने जो बोला मैथा मध्यम इधर चलता है तो आप उसको बनाओ, प्रेफर करो, लेकिन वो मजेदार बुक नहीं है, मजेदार तो बहुत सारा बुक है लेकिन आप उसको बनाओगे या नहीं ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि आरसीडी है, उसमें थ्योरी इतना मजेदार दिया है कि आप पढ़ोगे या ना पढ़ोगे ये तो आप पे है। तो मैथा मंदानी बहुत ही वो बुक है, क्वेश्चन उसमें दिया है तो शायद आपको अच्छा लगे तो आप उसको बनाइए, उसी से मैं क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ ताकि आपको एक गाइडेंस मिले, आप उसको प्रेफर करो तो देखो तो बन रहा है या ना बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, y बराबर 3x प्लस 8, और मैं एक दो क्वेश्चन अभी ऐसा जानबूझ के बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व हो इजीली, ठीक है ना। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, dy by dx सिंपली कैसे निकालेंगे, तो इंडिविजुअली सारे टर्म का कर देना है, dy dx of 3x प्लस dy dx of x 8, 3x 3 बाहर आ गया और x x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। आप बेसिक क्लियर रखो, ये मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको और बेसिक क्लियर करना है तो मैंने जो वीडियो बनाया आप प्लीज देखिए, आपको बेनिफिट देगा वो, नहीं तो अभी सिर्फ ऊपर से जाएगा बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आराम से पहले हाईलाइट करना, डिफरेंशिएट थोड़ा सा समझना, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 3x + 8 दो टर्म है और पावर क्या है, 1/3 है। पावर अगर एक छुड़ा के कुछ भी रहे आपको फिर एज इट इज आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर को सॉल्व करना है, तो किसी का पावर 1/3 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 को बाहर लिया हम लोगों ने और पावर में क्या कर देंगे, 1/3 पावर है उसमें तो 1 घटा देना है, इनटू पावर, जिसका पावर था उसको बस एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो 3x + 8 का पावर था तो 3x + 8 को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर 1/3 into 3x + 8 का पावर, एलसीएम लेंगे हम लोग, नीचे में 3 आएगा, 1-3 into dy dx of 3x 3 हो जाएगा और dy dx of 8 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dy by dx हमारा 1/3 into 3x + 8 का पावर -2/3 इंटू 3, तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा 3x + 8 का पावर -2/3, और कभी भी पावर निगेटिव में रहे तो हम लोग उसको नीचे, अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर ऊपर निगेटिव है तो नीचे लाके, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3x + 8 का पावर 2/3, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको पहले अभी डिफरेंस थोड़ा सा समझना है, कहाँ पे लगाएं कहाँ पे नहीं लगाएं, तो आप लोग इजिली सारे क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है ना। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा बात, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, y बराबर, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जो चैन रूल का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समय ऐसे हो जाएगा अगर मैं इंडिविजुअली सारे क्वेश्चन को ऐसे लेके बनाऊं तो। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, y बराबर √3x + 8 है, हमें निकालना है क्या है, dy by dx निकालना है, दोनों साइड क्या करना होगा, डिफ्रेंसिएट, तो dy dx ऑफ √3x + 8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy by dx is equal to dy dx of root under, कभी भी मैंने ये चीज आपको पहले वीडियो में शायद बताया था कि अगर x का पावर root under है इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2, अगर cube root x है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/3। बात समझने का कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये सब नहीं समझ पाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल होगा बनाना आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे रूट अंडर क्यूब रूट एक्स का ये था, सपोज करिए यहाँ पे फोर्थ रूट एक्स दे देता तो क्या लिखते, एक्स का पावर 1/4, यहाँ पे जो भी रहे वो 1/n टर्म के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, एक्स का पावर 1/10, अगर यहाँ पे रूट अंडर 7x दे देते तो एक्स का पावर 1/7। अब एक चीज इसी में और नया कंसेप्ट क्या आता है, सपोज करिए यहाँ पे दे दिया 4x², इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x², और ये जो फोर्थ रूट है उसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4, तो
2 और 1 by 4 कैंसिल होगा, 1 by 2 बचेगा, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा हमारा x का पावर 1 by 2। आई होप कांसेप्ट समझ में आ रहा होगा। नया कांसेप्ट समझते हैं, अगर दिया रहे 7th रूट ऑफ x का पावर 3, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, x का पावर 3 का पावर होल 1 by 7, यहां पे जो भी रूट दिया रहे उसको 1 by 10 लिख देना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 8 का पावर 1 by 2, ठीक है। अब हम लोग जो बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, बस सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, यहां पे पावर क्या है 1 by 2, तो बाहर आ गया 1 by 2, क्या बच जाएगा अब 3x प्लस 8, पावर में 1 घटा दिए, लेकिन पावर के अंदर 2 टर्म था और पावर 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 by 2 into 3x plus 8, 1 by 2 minus 1, तो ये हो जाता है minus 1 by 2 into differentiation of 3x plus d by dx of 8, ये क्या हो जाएगा 1 by 2 into, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x plus 8 का power 1 by 2 into 3x का differentiation जब हम लोग करेंगे 3, 8 का 0, तो 3 plus 0 3, तो इसको लिख सकते हैं whole 3 by 2 into 1 का power 3x plus 8 का power 3x plus 8 का power 1 by 2, so this is our answer। So आपको difference mainly समझना है, then question बहुत ही मजे से बनेगा, and I hope आपको समझ में आ रही होगी बात कैसे बनाना है, क्या हो रहा है यहाँ पे actually। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं।